रति तू देखना, एक दिन आएगा जब हम भी बाहर होटल में खाना खाएंगे। हाँ, हम इंदौर जाएंगे, वहाँ बड़े बड़े होटल है, वहाँ पे ना थाली भी मिलती है, 20-25 पकवान एक साथ। क्या क्या होता है उस थाली में? उसमें दाल, आलू की सब्जी, पनीर, गट्टे की सब्जी, पूरी, हलवा, गुड़ के लड्डू भी है। बाप रे बाप, इतने सारे पकवान। हाँ, तू बता तू सबसे ज्यादा क्या खाएगी? गुड़ के लड्डू। गुड़ के लड्डू? और माई को तो मिस्सी रोटी और गोभी मटर बहुत पसंद है ना, तो वो जमकर खाएगी। तो हम लोग माई के लिए वो ही लेकर आएंगे ना, कितना मजा आएगा, सब लोग एक साथ खाएंगे, बहुत मजा आएगा। इतनी फिक्र है पूर्णिमा को मेरी, उसके साथ हमेशा सख्ती से रही मैं, ताकि उसे वो ना सहना पड़े जो मैंने सहा जब उसका अमीर बाप हमें छोड़ के भाग गया था। अकाल की कृपा से मेरा राज सही सलामत लौट गया है। और तुझे पता है, आज सुबह मेरे साथ मंदिर जाने के लिए भी आनाकानी नहीं की उसने, और खुद ही फूल की थाली ले आए मंदिर में चढ़ाने की। माँ, क्या है, क्या हुआ तुझे? माँ, राज भी वो आपके कहने पर मंदिर नहीं आए थे। तो? वो तो उस लड़की से मिलने गए थे आपके साथ। कौन लड़की? वही जो मंदिर में फूल बेचती है। पर है कौन वो बॉडी? पता नहीं माँ, जब राज भी तूफान में फंसे थे ना, तब मिली थी उसे। पता है, उन्होंने तो उस लड़के को घर तक छोड़ा था। जीजी का कहा कभी गलत नहीं हुआ है। 6 बरस का था जीजी ने कहा तब बहुत बीमार पड़ेगा और अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा उसे। तब ऐसा लगा था कि अपने राज को खो ना दो। वो राज, आज फिर वही डर। राज, तू कल किसके? ये क्या छुपा रहा है राज? दिखा 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 दिखा, इतना बड़ा जख्म दिखा हमें। अरे माँ, हमें बात सुनिए। अरे इतनी बड़ी चोट लगी है तुम। माँ, जरा सी चोट है। तूफान में कब लगी हमें पता भी? तो पता चलना चाहिए था ना राज, कब से कह रहे हैं कि एक माँ तुमको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, लेकिन तुम हमारी बात ही नहीं सुन रहे हो। तुम जल्दी से नीचे, चोट देखते हो कितनी। हमारी बात सुनिए, एक बात बताइए, छोटी छोटी बातों पे इतना स्ट्रेस क्यों लेती है? तो तू ऐसा काम करता क्यों है राज? जैसे तेरी माँ की सांसें ऊपर नीचे हो जाए,